तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत पाने के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उलझ गई है। शुक्रवार को दिन में तीन बार टलने के बाद रात 8 बजे हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हाईकमान को मुख्यमंत्री चेहरे का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया और इससे पहले दिन भर राजनीतिक घटनाक्रम गरमाया रहा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। दोनों दिन में अलग अलग बैठकें कर रणनीति बनाते रहे और पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में विधायक दल की बैठक में सभी की राय जानी गई। एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित कर हाईकमान को मुख्यमंत्री चयन के लिए अधिकृत किया गया और इसके बाद प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंद कमरे में सभी विधायकों को एक एक कर राय जानी की। पर्यवेक्षक इसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों ने पर्यवेक्षकों से पहले ही मुलाकात कर राय दे दी थी और रविवार या सोमवार तक अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। दोनों धड़ों को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। बता दें दो खेमे नजर आ रहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के, एक ओर सुखविंदर सिंह सुक्खू और दूसरी ओर प्रतिभा सिंह। तो अब दोनों खेमों को शांत करने के लिए ये भी कहा जा रहा कि सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद दोनों ही खेमे शांत हो जाएंगे। फिलहाल बीते कल एक एक करके सभी विधायकों की राय जानी और इसकी रिपोर्ट बनाकर पर्यवेक्षक हाईकमान को भेजेंगे। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। पर्यवेक्षक हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रविवार या सोमवार तक अंतिम फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर कांग्रेस उलझी और सीएम का हाईकमान अंतिम फैसला करेगी और ऐसे में आपको ये बता दें कि सीएम के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है ताकि दोनों खेमे शांत रहें। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ममता, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से असमंजस अभी चल रहा है, दो खेमे नजर आ रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह, ये कहा जा रहा कि मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं लेकिन साथ ही उनके उप मुख्यमंत्री का भी नाम घोषित किया जा सकता है। फिलहाल तो जो बीते कल रिपोर्ट बनाई जा रही थी उस पर बात करेंगे, वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी हाईकमान को, बात करेंगे इस पर। जी बिल्कुल कोमल, देखिए कल विधायक दल की बैठक में काफी हंगामा हुआ। विधायक दल की बैठक से पहले जो प्रभारी दिल्ली से भेजे गए थे, खासतौर से राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तीनों की गाड़ियों को रोककर प्रतिभा सिंह के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत हंगामा किया। हालांकि सुबह 3 बजे से विधायक दल की बैठक होनी थी जो टलते टलते रात के 8 बजे से शुरू हुई और विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसको सभी विधायक मंजूर करेंगे। यानी कि विधायक दल की बैठक में यह फैसला नहीं हो पाया कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रतिभा सिंह होंगी या सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। हालांकि जिस तरीके से लगातार हंगामा मच रहा था उस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं उनके पार्टी आलाकमान की जिम्मेदारी देगी तो उसका निर्वहन वो बखूबी करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो स्टेज में नहीं है, पार्टी आलाकमान को लेना है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से जीत के बाद बयानबाजी कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गई, प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी आलाकमान वीरभद्र सिंह की विरासत को इग्नोर नहीं कर सकता है, इसको लेकर जब भूपेश बघेल से पूछा गया उन्होंने कहा कि पार्टी किसी को भी इग्नोर नहीं करेगी, सभी लोगों का सम्मान है और सबको साथ लेकर चला जाएगा। तो अब विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा उसको सभी लोग मंजूर करेंगे। लेकिन अब बहुत बड़ी समस्या पार्टी आलाकमान के लिए हो गई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनेगा कौन। कहीं ऐसा तो नहीं राजस्थान वाली स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी हो जाए। हालांकि कार्यकर्ताओं की यदि बात करें तो सभी लोगों का ये कहना है, शाही परिवार से आती है प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह की विरासत वही देख रही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांगा गया है। तो ऐसे में
कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि रानी साहिबा को ही कुर्सी जो है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर की मिलनी चाहिए। तो अब देखना ही होगा कि कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला करता है। विधायक दल की बैठक में ये प्रस्ताव तो पास हो गया है कि पार्टी नेतृत्व जो भी बताएगा ट्रिब्यून मानेंगे। तो अब देखना यही होगा कि आज जो पार्टी आलाकमान की तरफ से ये फैसला होगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो क्या सभी लोग उस निर्णय को मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। ममता, अगर हम सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये प्रतिभा सिंह दोनों को ही लेकर बात करें, तो दोनों में लोकप्रियता किसकी अच्छी है और पार्टी किसको बेहतर मानती है? बहरहाल ये तो रिपोर्ट फैसला कर ही देगी, लेकिन अगर हम पिछले कामों को लेकर बात करें तो ममता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, ममता से शायद हमारा संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये जानकारी हमसे साझा की, बहुत शुक्रिया।